साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी जीत की बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आप सबके प्रयासों के कारण जो गांव-गांव के अंदर धरनों के ऊपर, टोलों के ऊपर, लंगरों के ऊपर दिन रात आपने जो मेहनत की, उसका पहला परिणाम सामने आया है। देश के प्रधानमंत्री, जो कि बच्चा बच्चा देश का ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात को नहीं मानेंगे, आज गुरु नानक के पर्व के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कि क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, क्या संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अति उत्साहित होकर के इस आंदोलन को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए संयम बना के रखना है। और जो आने वाली जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी कालों की तैयारी रखनी है। जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके अगली रणनीति आपको बताएगा कि एमएसपी के ऊपर क्या स्टैंड है। इसके अलावा जो मुकदमे हैं हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, उनके ऊपर क्या स्टैंड है। उसके अलावा जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उसके ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है। तमाम बातों को लेकर के मोर्चा जल्द ही मीटिंग करके आप सबको सभी बातों से अवगत कराएगा। तब तक के लिए इसी प्रकार से एकता बनाए रखें, निश्चित तौर पर जीतेंगे। जय जवान, जय किसान। जय किसान। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी जीत की बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आप सबके प्रयासों के कारण जो गांव-गांव के अंदर धरनों के ऊपर, टोलों के ऊपर, लंगरों के ऊपर दिन रात आपने जो मेहनत की, उसका पहला परिणाम सामने आया है। देश के प्रधानमंत्री, जो कि बच्चा बच्चा देश का ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात को नहीं मानेंगे, आज गुरु नानक के पर्व के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ये घोषणा की है कि आने वाले संसद सत्र के अंदर इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। साथियों, ये जीत है आपके संघर्ष की, हमारे प्यार की, हमारे प्रेम की, हमारी एकता की। आप सब यूं ही एकता बनाए रखना, निश्चित तौर पर हम सभी लड़ाइयां जीतेंगे। दूसरी बात यह है साथियों, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मुख्य जो बिंदु है एमएसपी के ऊपर अभी संचय के अंदर है बात कि कौन सी कमेटी बनेगी, क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, क्या संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अति उत्साहित होकर के इस आंदोलन को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए संयम बना के रखना है। और जो आने वाली जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी कालों की तैयारी रखनी है। जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके अगली रणनीति आपको बताएगा कि एमएसपी के ऊपर क्या स्टैंड है। इसके अलावा जो मुकदमे हैं हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, उनके ऊपर क्या स्टैंड है। उसके अलावा जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उसके ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है। तमाम बातों को लेकर के मोर्चा जल्द ही मीटिंग करके आप सबको सभी बातों से अवगत कराएगा। तब तक के लिए इसी प्रकार से एकता बनाए रखें, निश्चित तौर पर जीतेंगे। जय जवान, जय किसान। जय किसान। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी जीत की बधाई देना चाहता हूं।